हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम ये देखेंगे जो क्रोनोमीटर होता है यानी कि टाइमर। चलिए डेमो देखते। जब भी मैं रिसेट करता हूँ ये शुरुआती से स्टार्ट होगा, और जब भी मैं इसको स्टॉप करूँगा तो ये स्टॉप हो जाएगा। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सिंपली मैंने यहाँ पे लीनियर लेआउट की ओरिएंटेशन है जो वर्टिकल दे रखी है, और ग्रेविटी सेंटर। यहाँ पे सिंपली मैं क्रोनोमीटर लूंगा और इसकी विड्थ और हाइट, रैप कंटेंट और रैप कंटेंट दूंगा। यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो मैं दूंगा टेक्स्ट साइज बड़ा करके मैं 20 dpi। यहाँ पे आईडियो दूंगा क्रोनोमीटर। तो बस हमको सिर्फ यही लेना था, और यहाँ पे मैं बटन यूज करूँगा आईडी बटन 1, और इसका टेक्स्ट होगा स्टार्ट। दूसरा बटन में लूँगा, उसका टेक्स्ट होगा स्टॉप। इसकी आईडी होगी बटन 2। यहाँ पे मैं तीसरा बटन यूज करूंगा, उसका टेक्स्ट होगा रीसेट, और आईडी होगी बटन 3। और यहाँ पे हमारा डिजाइनिंग पार्ट कंप्लीट हो चुका है। मेन एक्टिविटी डॉट जावा में जाएंगे, और यहाँ पे मैं सिंपली अपने कंपोनेंट के वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा। और नीचे मैं यहाँ पे सिंपली अपने कंपोनेंट की आईडी डिफाइन करूँगा। बटन 3, और यहाँ पे क्रोनोमीटर की आईडी क्रोनोमीटर। और यहाँ पे सिंपली हमको बटन के क्लिक पे स्टार्ट, स्टॉप और रिसेट ये टाइमर चेंज करना पड़ेगा। तो हमको सिंपली बटन पे ऑन सेट ऑन क्लिक लिस्ट लगाना पड़ेगा। तो हमारा पहला बटन है स्टॉप वाला, स्टार्ट वाला। तो सिंपली मैं यहाँ पे बटन पे सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाऊंगा, और इसमें हमको सिंपली क्रोनोमीटर को स्टॉप करना है। तो सिंपली यहाँ पे क्रोनोमीटर डॉट स्टॉप, सिर्फ इतना ही काम करना पड़ेगा। और दूसरे बटन पे हमको सेट ऑन क्लिक लिसनर लगा के यहाँ पे सिंपली हमको लेना पड़ेगा, सॉरी, यहाँ पे स्टार्ट पे बटन पे स्टार्ट लेना पड़ेगा, और यहाँ पे स्टॉप। और यहाँ पे सिंपली बटन 3 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर, और यहाँ पे सिंपली क्रोनोमीटर डॉट सेट बेस, और इसमें सिस्टम क्लॉक डॉट इलेप्स रियल टाइम। तो हमारा सारा काम हो चुका है, तो चलिए एप्लीकेशन को रन करते हैं।
तो देखिए हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका है, तो जब भी मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करूँगा तो देखिए हमारा जो क्रोनोमीटर जो है टाइमर जो है वो स्टार्ट हो चुका है।